गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 13 सितंबर वर्ष 2021, नाइन्थ H1 एंड H2 दोनों क्लास जुड़ी हुई है और हम लोग आज करने वाले हैं मैथ्स टू में तीसरा चैप्टर करेंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज में इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय सिखाऊंगा मैं आपको। त्रिभुज त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय, त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय। प्रमेय क्या होता है जानते हो बेटा आप लोग? पहली बार सुन रहे होगे इस शब्द को। आठवीं तक कभी तक को भी कोई प्रमेय आई नहीं थी, है ना? बोलो बेटा जरा, प्रमेय शब्द कभी सुना है? प्रमेय नहीं सुना है, पहली बार सुन रहे हो। तो आज पहली बार सुन रहे हो, अब जो है बार बार सुनना पड़ेगा, इसलिए इस शब्द को सुनने की आदत डाल दो। अब प्रमेय का मतलब क्या होता है वो समझ लो। देखो प्रमेय क्या है, प्रमेय जो है गणित के जो नियम और सूत्र ही हैं उन्हें प्रमेय कहा जाता है, लेकिन जो सभी सूत्र और नियमों को प्रमेय नहीं कहते, जिन सूत्र और नियमों को प्रूफ किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, उन्हें प्रमेय कहा जाता है। समझ में आ रही बात? और जिन नियमों, जिस नियम या फार्मूले को हम लोग डायरेक्ट मान लेते हैं, सीधा अज्यूम कर लेते हैं, मान लिया जाता है, वो प्रमेय नहीं होता, उसे इंग्लिश में एग्जम्स कहते हैं, एग्जम्स। और जिन फार्मूले को या नियम को सिद्ध किया जा सकता है वो प्रमेय कहलाते हैं। तो समझे प्रमेय का मतलब क्या, ऐसा नियम जिसे सिद्ध किया जा सके, प्रूफ किया जा सके। उपलब्ध जानकारी के आधार पर जो फार्मूले उपलब्ध हैं, उस फार्मूले या उस जानकारी के आधार पर एक नया फार्मूला, एक नया नियम सिद्ध कर सकते हैं, ऐसे नियम को प्रमेय बोलते हैं। समझे कि नहीं बेटा? आप लोग कुछ रिस्पांस दो, हाँ ना, मुझे ऐसा लगे कि बच्चे हैं सामने, स्टूडेंट्स हैं। मेरी आवाज जा, हाँ ठीक है। तो प्रमेय समझ गए हैं, तो त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय क्या है वो समझ लेते हैं। देखो त्रिभुज तो आप जानते ही हो, त्रिभुज, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? बताओ त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? नहीं मालूम तो भी बोल दो नहीं मालूम, और मालूम है तो बताओ कितने कोण हो? तीन कोण होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाऊं, एक त्रिभुज अगर यहाँ पर बना देता हूँ, ये त्रिभुज का नाम ए बी और सी लिखता हूँ, इसमें तीन कोण हैं। पहला कोण, ये देखो ये निशान मैंने लगाया है, इसे आप तो या तो कोण ए कहो, और अगर तीनों अक्षर से लिखना है तो कोण बी ए सी भी बोल सकते हैं, या कोण सी ए बी भी कह सकते हैं, ए बीच में आना चाहिए बस। चलो ये इस कोण का नाम कौन बताएगा, ये कौन सा कोण है, नाम बोलो। नहीं नहीं कोण का नाम पूछ रहा हूँ, प्रकार नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने बोला ये कोण है कोण बी ए सी, वैसे ये कौन सा कोण है? कोण बी, कोण बी। अच्छा तीनों अक्षर से लिखना हो तो
कोण ए बी सी, बी बीच में आना चाहिए। अच्छा इसको बोलो ये कौन सा कोण हुआ, कोण सी। तीनों अक्षर से बोल रहा हूं तो कैसे बोलेंगे, ए ए बी सी बोलो तो बी बीच में आ रहा है तो ये तो कोण बी हो गया। हाँ कोण ए सी बी, ए सी बी में सी बीच में आ रहा है तो ये कोण सी हो गया। अच्छा ये जो तीनों कोण आपने बताया ये त्रिभुज के अंदर हैं या त्रिभुज के बाहर हैं? त्रिभुज के अंदर हैं, तो इसको हम लोग त्रिभुज के अंतः कोण बोल सकते हैं। ये अंदर है ना तो अंतः कोण, ये तीनों त्रिभुज के अंतः कोण हैं। समझ में आया कि नहीं? अब अगर मैं एक भुजा को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, बाहर खींच दूं, एक भुजा को अगर मैं बाहर खींच दूं, इसको कुछ नाम दे देता हूं, पी नाम दे देता हूं, तो देखो एक कोण यहाँ त्रिभुज के बाहर बन रहा है। देखो ये वाला कोण जो है त्रिभुज के बाहर बन रहा है कि नहीं? ये त्रिभुज के बाहर बन रहा है, तो ये जो त्रिभुज के बाहर बनता है ना इसको बोलते हैं बहिष्कोण। क्या बोलते हैं? बहिष्कोण बोलते हैं। तो इसमें ये जो कोण, जो कोण ए कोण बी कोण सी ये सब जो है त्रिभुज के अंतः कोण है क्योंकि अंदर है, और ये जो कोण बन रहा है ये त्रिभुज के बाहर है इसलिए इसे त्रिभुज का बहिष्कोण बोलते हैं। इसका नाम बता सकता है कोई तीन अक्षर से? इस कोण का नाम कौन बताएगा? वेरी गुड। क्या नाम है बेटा? हाँ वेरी गुड बीना। कोण ए सी पी ये बहिष्कोण है, बाहर का कोण है। ठीक है अब एक और सवाल, ये जो बहिष्कोण है इसमें सबसे नजदीक अंतः कोण कौन है? कौन सा अंतः कोण बहिष्कोण के सबसे नजदीक है? कोण सी। कोण सी, पूरा नाम बोलो, पूरा नाम तीनों अक्षर से। पूरा नाम बोलो बेटा। कोण ए सी, कोण ए सी पी तो आपने बहिष्कोण ही बता दिया। ए सी पी तो कोण ए सी बी, ये जो अंतः कोण है बहिष्कोण के सबसे नजदीक है। और कौन से अंतः कोण बहिष्कोण से दूर है? कोण कोण एसीपी तो बहिष्कोण है, मैं आपको अंतः कोण का नाम पूछ रहा हूँ जो बहिष्कोण से दूर है। बहिष्कोण का नाम मत बताओ मुझे, ऐसे अंतः कोण का नाम बताओ जो बहिष्कोण से दूर है। बीसीपी तो कोई कोण ही नहीं है बेटा, ये तो एक किरण हो गया बीसीपी। हाँ यस, एबीसी यानी कोण बी, इसको कोण बी बोल सकते हो क्योंकि बी पर सिर्फ एक ही कोण बन रहा है। जब आपको सी बता रहा हूँ तो सी का पूरा नाम बोलो क्योंकि सी पर दो कोण बन रहा है ना, तो जब कोण सी बोल रहे हो तो पूरा नाम बोला करो क्योंकि अगर आप बोलते हो कोण सी तो ये भी कोण सी है ये भी कोण सी है तो पता नहीं चलेगा कौन सा कोण बोल रहे हो। तो जब कोण सी बोलना हो तो आपको पूरा नाम बोलना पड़ेगा क्योंकि बिंदु सी पर दो कोण बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बिंदु बी पर एक ही कोण बन रहा है तो यदि आप कोण बी बोलते हो तो समझ में आता है कि यही कोण है। बिंदु ए पर भी एक ही कोण बन रहा है तो यहाँ पर कोण ए बोलोगे तो भी चलेगा। तो बहिष्कोण के दूर वाले अंतः कोण का एक तो कोण बी जो है बहिष्कोण से दूर है और एक और कोण है जो बहिष्कोण से दूर है, कौन सा कोण? यस, कोण ए भी बहिष्कोण से दूर है, कोण बी भी बहिष्कोण से दूर है। तो ये जो अंतः कोण है जो बहिष्कोण से दूर होते हैं इन्हें बोलते हैं दूरस्थ अंतः कोण। क्या बोलते हैं? हाँ क्योंकि दूर होते हैं ना, ये अंतः कोण बहिष्कोण से दूर होते हैं
इसीलिए इन्हें दूरस्थ अंतःकोण कहा जाता है। तो आपको दूरस्थ अंतःकोण का मतलब समझा, यहाँ पर बहिष्कोण है, कोण ए सी पी बहिष्कोण है, कोण ए और कोण बी दूरस्थ अंतःकोण है। अब मैं आपको नियम समझा देता हूँ कि ये दूरस्थ अंतःकोण और बहिष्कोण में क्या संबंध है। दूरस्थ अंतःकोणों के मापों का योगफल हमेशा बहिष्कोण के बराबर होता है। ये दूरस्थ अंतःकोणों के मापों को अगर प्लस करोगे ना तो इसका माप हमेशा बहिष्कोण के बराबर ही आएगा। कोण ए प्लस कोण बी अगर आप करते हो तो जो आंसर आएगा वो कोण ए सी बी के बराबर रहेगा। मेजर लिख देता हूँ, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी बराबर मेजर एंगल ए सी पी, सॉरी ए सी पी। ये समझा कि नहीं बात आपको, ये बात समझ में आई? दूरस्थ अंतःकोणों के मापों को का योगफल हमेशा बहिष्कोण के बराबर होता है। तो आप जरा मुझे बताओ कि अगर कोण ए 50 अंश है और कोण बी 30 अंश है, कोण ए 50 कोण बी 30 तो कोण ए सी बी पी कितना रहेगा? 80 अंश रहेगा, 50 प्लस 30 80, ठीक है। अच्छा ये 40 है और ये 30 है, दूरस्थ अंतःकोण 40 और 30 है तो बहिष्कोण कितना रहेगा? 70 रहेगा, 40 और 30 70। अच्छा ये 10 ये 20 तो ये 30, ये 20 और ये 10 तो ये 30, ये 20 और ये 30 तो ये 50, यस। अच्छा थोड़ा सा घुमा के पूछता हूँ, ये बहिष्कोण 50 है, बहिष्कोण 50 है और कोण ए का माप 10 है, कोण ए का माप 10 है तो बताओ कोण बी का माप कितना रहेगा? 40 रहेगा, तो हाँ शाबाश, माइनस करना पड़ेगा ना, इसको मैंने 50 बोला इसको 10 बोला तो 50 में से 10 माइनस कर दो 40 तो बी 40 आएगा। वापस से चलो, बहिष्कोण का माप 80 है और कोण बी 60 है, बहिष्कोण 80 है कोण बी 60 है तो कोण ए कितना रहेगा? 20 रहेगा, माइनस कर दो 80 में से 60 माइनस कर दो 20 आ गया। तो बहिष्कोण का माप दिया है और कोई भी एक अंतःकोण का माप दिया है तो दूसरे अंतःकोण को ज्ञात करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, और अगर दोनों अंतःकोण दिया है बहिष्कोण पूछा है तो दोनों को, हाँ दोनों को प्लस कर दो बहिष्कोण का माप मिल जाएगा। कुछ समझे बात? हाँ, तो ये जो है सूत्र है, यही नियम है त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय, मतलब ये नियम। अब प्रमेय है तो इसको सिद्ध किया जा सकता है ना, प्रूफ किया जा सकता है, बराबर। तो अब हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं कि सिद्ध कैसे कर सकते हैं। दो नियम का उपयोग हम करेंगे, उस दो नियम की सहायता से सिद्ध कर सकते हैं। पहला नियम यह है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है मालूम है आप लोग को? त्रिभुज के तीनों कोणों को प्लस करेंगे तो कितना आता है आंसर? नहीं पता? 180 डिग्री। शाबाश, क्या नाम है बेटा आपका? मोंटू। हाँ मोंटू, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 होता है, तो एक ये नियम का उपयोग करेंगे। दूसरा मुझे बताओ, रेखीय युगल कोण पहचानते हो आप लोग? नाम सुना, नाम तो सुना ही होगा रेखीय युगल कोण। तो बता सकते हो इसमें रेखीय युगल कोण कौन सा है? ए सी पी और दूसरा रेखीय युगल कोण में दो कोण होते हैं,
यस, एसीपी, एसीपी और एसीबी, ये दोनों रेखीय युगल कोण बना रहे हैं। दो कोण टी जैसा आकार जब बनाते हैं ना, जैसे हाँ उल्टा टी जैसे बन रहा है, जैसे ये कोण और ये कोण दोनों कोण टी जैसा बना रहे हो, तो ऐसे कोण को रेखीय युगल कोण बोलते हैं, और इनका योगफल 180 होता है। समझे कि नहीं है? हाँ सर। तो ऐसे ही देखो, यहाँ पर कोण एसीपी और कोण एसीबी ये दोनों टी जैसा आकार बना रहे हैं, इसलिए रेखीय युगल कोण है, इसलिए इनका योगफल 180 होगा। ये दो नियम का उपयोग करके हम ये नियम सिद्ध कर सकते हैं। तो देखो किताब में कैसे दिया है, ध्यान से देखो। प्रमेय, प्रमेय क्या है? त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतः कोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है, एक ऐसा एक स्टेटमेंट दे देगा, उसके बाद में आपको आकृति बनानी है, दत्त साध्य उपपत्ति लिखना है। तो यहाँ एक आकृति बना लिया, त्रिभुज बहिष्कोण, एक त्रिभुज बनाना है और बहिष्कोण उसका होना चाहिए। तो त्रिभुज पी क्यू आर बना दिया है, क्यू आर को खींच दिया तो बहिष्कोण हो गया। कोई यहाँ पे बहिष्कोण का नाम बताएगा? पी क्यू आर यानी कोण क्यू, ये तो अंता कोण हो गया त्रिभुज का। बहिष्कोण का नाम पूछ रहा हूँ, पी आर एस, पी आर एस, कोण पी आर एस त्रिभुज का बहिष्कोण है। यहाँ दूरस्थ अंता कोण कौन कौन है? ब्लर दिख रहा है? अब हाँ, तो मैंने आपसे पूछा आप कि बहिष्कोण कौन सा है, और आपने बताया कोण पी आर एस बहिष्कोण है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दूरस्थ अंतः कोण कौन से हैं? पी क्यू आर, यस, कोण पी क्यू आर एक दूरस्थ कोण है, दूसरा दूरस्थ कोण कौन सा है? पी आर क्यू, ये भी ये अंतः कोण है, लेकिन ये दूरस्थ अंतः कोण नहीं है बेटा, क्योंकि ये बहिष्कोण के नजदीक है ये अंतः कोण। दूरस्थ अंतः कोण मतलब ऐसा अंतः कोण जो बहिष्कोण से दूर हो। एक तो आपने सही बताया, दूसरा गलत बता दिया बेटा, फिर से ट्राई करो। एक दूरस्थ अंतः कोण है कोण क्यू, दूसरा अंतः कोण कौन सा है बोलो। जल्दी बोलो बेटा, अभी हमने प्रैक्टिस किया था इसका। कोण क्यू एक दूरस्थ अंतः कोण है, दूसरा अंतः कोण कौन सा है? दूरस्थ अंतः कोण दूसरा, नहीं पता? देखो नहीं आ रहा है तो भी ना बोल दो, तो मैं बताऊं फिर आपको। मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ, तो मैं सवाल अपना रिपीट कर रहा हूँ। या पी कोण पी आर एस यहाँ बहिष्कोण है, इस बहिष्कोण के दो दूरस्थ अंतः कोण है, मैं उसके नाम पूछ रहा हूँ। कोण पी आर एस के दूरस्थ अंतः कोण बताओ बेटा। एक तो कोण पी क्यू आर है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है ये कोण पी, अच्छा कोण पी का पूरा नाम बताओ, तीन अक्षर से कैसे लिखें कोण पी क्यू? यस, कोण क्यू पी आर। तो देखो अब हम दत्त में लिखेंगे, दत्त, दत्त में की हेडिंग में क्या लिखेंगे, जो जानकारी दी गई है वो दत्त में लिखते हैं। त्रिभुज और बहिष्कोण ये दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे कोण पी आर एस ये त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्कोण है, ये दत्त हो गया, ये जानकारी दी गई है। साध्य, ये जो फार्मूला है, जो नियम है, वो साध्य में लिखेंगे, हमको वही प्रूफ करना है, हमको सिद्ध करना है कि बहिष्कोण का माप दूरस्थ अंतः कोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है।
तो बहिष्कोण यहाँ कोण पी आर एस बहिष्कोण है, ये किसके बराबर होगा? दोनों दूरस्थ कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो एक दूरस्थ कोण है Q यानी कि कोण पी क्यू आर, दूसरा दूरस्थ कोण है कोण P यानी कि कोण क्यू पी आर। तो इन दोनों को प्लस करने पे कोण पी आर एस के बराबर आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। सही, यहां तक कोई डाउट किसी को? डाउट है तो हाँ बोलो, डाउट नहीं है तो ना बोलो। डाउट हो हाँ ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? देखो एक नियम तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों अंतः कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, तो इसलिए तीनों अंतः कोणों को प्लस कर दो। पहला देखो कोण Q लिखा है, कोण PQR यानी कोण Q हो गया, फिर दूसरा है कोण QPR यानी कि कोण P हो गया, तीसरा है कोण PRQ यानी कि कोण R हो गया। ये तीनों त्रिभुज के अंतः कोण को प्लस करेंगे तो 180 अंश आएगा। ये समझा ये स्टेप नंबर वन। आप यस सर जब तक नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा बेटा। हाँ, तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम मैंने अभी आपको समझाया था, दूसरा मैंने आपको समझाया था कि जो रेखीय युगल कोण होते हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। तो रेखीय युगल कोण यहाँ पर कौन सा है? एक कोण पी आर एस, दूसरा कोण पी आर क्यू, ये दोनों टी जैसा आकार बना रहे हैं, तो इसलिए ये रेखीय युगल कोण है, इनका योगफल 180 अंश हो जाएगा। नंबर टू, ये 180 क्यों है? क्योंकि रेखीय युगल कोण है। ये भी समझाना ये स्टेप। हाँ सर। अब देखो वन और टू ये दोनों स्टेप को देखो, दोनों जो है 180, यहाँ भी 180 यहाँ भी 180, इक्वल के लेफ्ट साइड में देखो दोनों इक्वल है, सेम है, तो इक्वल का राइट साइड सेम है तो इक्वल का जो लेफ्ट साइड है वो भी सेम ही होगा ना, वो भी बराबर होगा। तो फर्स्ट स्टेप का पूरा लेफ्ट साइड लिख दिया यहाँ, फिर बराबर ये जो सेकेंड स्टेप है इसका भी लेफ्ट साइड लिख दिया, तो ये दोनों 180 ही हैं इसलिए बराबर होंगे दोनों। ये स्टेप समझा कि नहीं? हाँ, अब देखो कोण पी आर क्यू ये साइड में भी है, कोण पी आर क्यू दूसरे साइड में भी है, तो इक्वल के ये दोनों जो है सेम ही है लेकिन अपोजिट साइड में है, एक इक्वल के लेफ्ट में है एक इक्वल के राइट में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू कैंसिल, तो इधर क्या बचा? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर बचा, यहां पर एंगल पी आर एस बच गया। तो हो गया ना, देखो प्रूफ हो गया, एंगल पी आर एस क्या है? बहिष्कोण है, और ये कोण क्यू और कोण पी ये दूरस्थ अंतः कोण है, तो सिद्ध हो गया कि बहिष्कोण का माप दूरस्थ अंतः कोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। सिद्ध हो गया, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, गुड। तो इसका मतलब अब इससे एक बात और समझ में आ रही है कि बहिष्कोण का माप ये हमेशा जो दूरस्थ अंतः कोण है उससे ज्यादा ही होगा। जैसे कि ये अगर 30 है ये 20 है तो बहिष्कोण कितना हुआ? कितना बोला बेटा? सुना नहीं, 50 होगा। तो 50 जो है वो दोनों से बड़ा है ना, ये 30 से भी बड़ा है और 20 से भी बड़ा है, 30 से भी बड़ा है और 20 से भी बड़ा है, राइट? हाँ सर। तो बहिष्कोण का माप दोनों दूरस्थ कोणों के मापों से बड़ा होता है। ये चीज ये अगले कॉन्सेप्ट में यही चीज समझाया गया है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण यहां समझ लेते हैं। किसी त्रिभुज के कोणों के मापों का अनुपात 5:6:7 है तो सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे? देखो जो हम लोग मान लेंगे, माना उन कोणों के माप 5 है तो 5x, ये 6 है तो 6x, ये 7 है तो 7x है। समझा या नहीं?
यहाँ अनुपात दिया है सवाल में, हमने उसके माप लिख दिए 5x, 6x और 7x। अब ये तीनों माप हैं तो तीनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। समझे कि नहीं? फिर देखो 5x प्लस 6x प्लस 7x 18x हो गया, 18x बराबर 180। हमें x चाहिए तो 18 यहाँ से हटा दो तो 18 वहाँ जाके भाग हो जाएगा, दोनों तरफ 18 से भाग दे दो तो 18 कैंसिल x, और 180 में 18 से भाग दिया तो 18 दहम में 180, तो x 10 आ गया। अब तीनों को माप निकाल सकते हैं, पहला माप 5x था लेकिन x कितना 10 है, तो 5x यानी 5 × 10 50 डिग्री, पहले कोण का माप 50 डिग्री आ गया, 5 दहम में 50। दूसरा माप 6x, तो 6x मतलब 6 × 10 क्योंकि x 10 है, तो दूसरे कोण का माप 60 डिग्री आ गया। तीसरा 7x, तो ऐसे 7 × 10 70 डिग्री, तो तीनों कोण के माप मिल गए यहाँ पर। कुछ समझा कि नहीं बेटा आपको यहाँ तक? कहीं कोई डाउट हो तो पूछो मुझे। बात समझ में आ गई? ओके यस सर। हाँ तो अब समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है बेटा, आज के लिए इतना ही। ये जो मैंने आपको एक नियम बताया और एक प्रमेय सिद्ध करके बताया, यही आपको आपका होमवर्क है। ये प्रमेय आपको लिखना है, समझे? और ये याद कर लो, इसको लिखो और याद कर लो, अपने मन से लिखने को आना चाहिए। एग्जाम में आपको ये ऐसा ये स्टेटमेंट दे देगा कि सिद्ध करो कि त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। ये प्रश्न दिया रहेगा आपको, ये आकृति बना करके दत्त साध्य और उपपत्ति ये लिखने आना चाहिए, ये याद कर लो आप लोग। समझ गए? तो यही आपका होमवर्क है, यही आपका होमवर्क है। कितने लोग लेक्चर अटेंड किए थे ये जरा बताएंगे? 1 और 2 मिला के सिर्फ 11 लोग, बहुत कम लोग आ रहे हैं बेटा लेक्चर में। ये तो 12। ओके 12। अच्छा मुझे मत गिनो बेटा, 11 स्टूडेंट्स। ठीक है ठीक है, मैंने जो होमवर्क दिया वो कर लेना। कल जो है, कल तो लेक्चर नहीं हो पाएगा, कल छुट्टी का नोटिस आया हुआ है, तो परसों जो है लेक्चर होगा उसमें आपको फिर आगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है बेटा? हाँ अब एक एक करके लेफ्ट हो जाइए, एक एक करके लेफ्ट हो जाइए आप लोग। बाय बेटा, बाय।